दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट का जो वीडियो हुआ था उसमें गियर टूथ वर्नियर कैलिपर देखा था और उसमें मैंने एक W और D का फॉर्मूला दिया था। W मतलब क्या रहता है, आपका कॉर्डल थिकनेस होता है, और D क्या होता है, आपका कॉर्डल डिडेंडम होता है। तो उसके बारे में मैंने दो फार्मूले दिए थे, वो फार्मूले कैसे आते हैं, मतलब डेरिवेशन से, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपने पास क्या है, W है। W मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, AB है, टोटल लेंथ आपकी यहाँ पे AB है। फिर मैंने क्या लिखा, AB लिखा। AB मतलब क्या है, एक्चुअली ये दो इक्वल पार्ट में, AB आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2, यहाँ पे D पॉइंट है, 2 × AD लिखा। फिर अगर मैंने ये थीटा एंगल अगर कंसिडर किया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AD अपॉन AO, साइन थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन AO। मैंने अगर ये AD को यहाँ पे, इसको साइन AO को यहाँ पे लेके गया, तो क्या होगा, वो AO × sin θ। ठीक है, मैंने खाली यहाँ पे इंटरचेंज करके वो जो AD की वैल्यू थी मैंने यहाँ पे रखी है। फिर मेरा, लेकिन ये AO का एवा AO आपका पिच सर्कल की आपकी रेडियस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, AO की जगह पे मैंने क्या लिखा, R लिखा, और यहाँ पे वैसे कैसे साइन थीटा, इस इक्वेशन को मैंने नंबर 1 इक्वेशन दिया है। उसके बाद अल्सो एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू थीटा 360 डिवाइडेड बाय 4N। 360 मतलब आपका टोटल सर्कल का एंगल 360 रहेगा, और ये 4N, वेयर N इज़ क्या है, योर नंबर ऑफ टीथ है, और R क्या है, आपका पिच सर्कल का रेडियस है। ठीक, फिर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, आपका जो इक्वेशन 1 था ये कैसा था, W इज इक्वल टू 2R × sin θ। मैंने क्या लिखा, W × 2R × sin। अभी ये जो थीटा था 360 डिवाइड बाई 4N, मैंने क्या आप किया, यहाँ पे रखा, तो ये टोटल इक्वेशन ऐसे आया। फिर अल्सो मॉड्यूल क्या रहता है, आपका PCD अपॉन नंबर ऑफ टीथ रहता है, तो D/N, D मतलब क्या रहता है, आपका 2R लिखा। मैंने इसको थोड़ा इंटरचेंज किया, मतलब R को यहीं पे रखा, N को यहाँ पे लेके गया, तो क्या आया, R = NM/2। वापस को मैंने क्या किया, 2 को R के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 2R × N·m आया। तो अभी ये जो 2R है, देखो वो 2R, W = अब ये देखो, यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू लिखा, W = NM sin 360 / 4N, और ये 4 को और 360 को क्या किया, मैंने डिवाइड किया, तो क्या आया मेरा टोटल इक्वेशन, W = NM sin 90/N, जो मैंने लास्ट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। फिर इसके अभी बाद आता है कॉर्डल डिडेंडम का डेरिवेशन। पहले पार्ट में आपने देखा कि कॉर्डल थिकनेस कैसे निकालते हैं, अभी का जो पार्ट है उसमें देखना है आपका जो कॉर्डल अडेंडम है वो कैसे निकालते हैं। कॉर्डल अडेंडम मतलब क्या है, ये जो है डी, ये डी कैसे निकालना है वो देखना है। इसके लिए क्या है कि डी इज इक्वल टू वॉट, अभी अगर आपको डी निकालना है तो इसके लिए मैंने कैसे डेरिवेशन किया है वो देखेंगे। कि डी के लिए उन्होंने क्या किया है, OC माइनस OD, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर वेयर, OC क्या है आपका, OC OE + CE, ठीक है, टोटल ये OC क्या है, OE + CE इतना है, तो वहाँ पे मैंने लिखा। लेकिन ये OE क्या है आपका, पिच सर्कल का रेडियस है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, R लिखा, और ये CE क्या आपका, M है, अडेंडम है। ठीक, तो एक्चुअली R क्या रहता है, R = NM/2 रहता है। ठीक है, इसके लिए मैंने R का जो वैल्यू था NM/2, तो मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद cos, अभी एंगल है, cos θ = what, ये थीटा है आपका, cos θ = क्या है, OD upon OA, लेकिन OA क्या है आपका, R है, रेडियस है, इसके लिए मैंने यहाँ पे AO के जगह पे क्या लिखा, मैंने R लिखा। OD = इंटरचेंज किया, OD यहाँ पे रखा, R को यहाँ पे लेके गया, तो क्या हुआ, OD = R × cos θ। उसके बाद R का वैल्यू आपको पता है NM/2 है, तो ये R को क्या किया, मैंने NM/2 लिखा, cos θ का एंगल 90/N लिखा। इसके पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल टू
360 डिवाइडेड बाय एन लिखा था, लेकिन आप उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वो 90 बाय एन ही आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 90 बाय एन लिखा। फिर इक्वेशन फर्स्ट कैन बी मॉडिफाइड एज, अभी देखो अपने पास क्या क्या है, एक ओडी है और एक यहाँ पे एक ओसी का वैल्यू है, ठीक। तो अभी क्या करना है, देखो ओसी का और ओडी का जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो। ओसी का जो वैल्यू था मैंने, ओसी का वैल्यू क्या है, एन एम डिवाइडेड बाई टू प्लस एम, यहाँ पे लिखा है एन एम डिवाइडेड बाई टू प्लस एम। और ओडी का जो वैल्यू था एन एम बाई टू कॉस 90 माइनस एन, 90 डिवाइडेड बाई एन, वो क्या किया मैंने यहाँ पे लिखा। अगर ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या आएगा आपका, ये लास्ट इक्वेशन आएगा एन एम डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट 1 प्लस 2 बाई एन माइनस कॉस 90 बाई एन। ये ऐसा ये टोटल वीडियो था आपका कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल अडेंडम निकालने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।